हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबीज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप डर गए होंगे ना। डरना ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको जानकारी नहीं है और उस जानकारी को गलत फैलाया जाए या सही तरीके से जानकारी लोगों को नहीं दिया जाए तो भी डेंजर है। अब जैसे मैंने डाला कि पुर्तगाल का इमिग्रेशन बंद, तो लोग डर गए, लोग वीडियो पे आए। लेकिन हकीकत क्या है, क्यों सेंजन के जो यूरोपियन यूनियन है वो क्यों इनको रिमूव करने के लिए सोच रहे हैं, और क्या इसका इफेक्ट हम पे पड़ेगा, क्या उनका पड़ेगा जो सपने देख रहे पुर्तगाल सेटल होने के लिए, पासपोर्ट हासिल करने के लिए। तो थोड़े तफ्तीश में बात करेंगे, पहले समझेंगे। दोस्तों, पहले समझाता हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने किस चीज़ के लिए इनको बैन करने के लिए बोल रहे हैं, क्या उनको बोल रहे हैं कि भाई ये तुम करो वरना हम तुमको रिमूव कर देंगे। सबसे पहले सेंजन जोन जो है भी सब हार्ड कॉपी पे चलता है, मतलब आपको काउंटर पे जाना होता है। काउंटर पे जाने के बाद आपका वीज़ा देखते हैं, स्कैन करते हैं, आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं, कभी कभी बायोमेट्रिक लेते हैं, और फिर आपको एंट्री देते हैं। तो अब ये सारा सिस्टम ख़त्म। आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, देखो। देख लिया आपने वीडियो। वीडियो क्या कहता है, वीडियो कहता है कि दोस्तों, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, जब मैं रोम पे लैंड करता हूँ ना, तो कोई भी फ्लाइट जिसकी अगर एक घंटे डेढ़ घंटे का गैप है तो नहीं लेता हूँ मैं। मुझे पता है कि कम से कम मुझे इमिग्रेशन पे डेढ़ से दो घंटा लगेगा। 40 आपकी लाइनिंग होती है और वो लाइन आने में डेढ़ घंटा लगता है। तो अब ये सिस्टम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी डिजिटल सिस्टम आने वाला, ई वीज़ा करने वाला नेक्स्ट ईयर तक, मतलब पूरी कोशिश है कि ई वीज़ा इनका हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे आप लैंड करोगे, मोस्ट ऑफ जो पासपोर्ट होल्डर उनके, तो उनको बहुत सारी जगह पे बायोमेट्रिक है, तो मतलब ई गेट से चले जाते हैं। जैसे दुबई के अंदर है ई गेट है, पासपोर्ट लगाया और निकल गए 20-10 सेकंड के अंदर। अभी ये क्या करने वाले, जितने भी विजिटर हैं उनके भी ये सिस्टम बनाने वाले हैं। ये आप लैंड होंगे, लैंड होने के बाद जैसे काउंटर आएगा, काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको स्कैन होगा, आपका जो भी सब सिस्टम अंदर ही होगा, फटाक से आपको देख के डायरेक्ट बाहर। मतलब ये जो भीड़ भाड़ था ये सब ख़त्म, और इससे ट्रेस भी होगा कि कौन बंदा कहाँ जा रहा नहीं आ रहा। पहले बहुत सारी चीज़ें लोग इलीगल कर लेते थे, बहुत सारे लोग स्टैम्प को रिमूव करवा देते थे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इसके लिए, इस तरह का इन्होंने सिस्टम लाया। और गवर्नमेंट ने इसको लाने के लिए हर एक कंट्री का टाइमलाइन दिया था कि भाई आपको अप्रैल तक 2024 तक ख़त्म करना है, जो कि पुर्तगाल नहीं कर पाया। पुर्तगाल क्यों नहीं किया, रीज़न है, पुर्तगाल में जो पहली बॉडी थी वो थी सेफ, एक अलग बॉडी थी जिसपे वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका। अब नया बॉडी आ गया, उस नए बॉडी का नाम है आईमा। अब आईमा क्या है पहले समझिए, द एजेंसी ऑफ इंटीग्रेशन माइग्रेशन एंड असैलम। अब ये क्या है, पहले SCF जो था ना उसको एक डिपार्टमेंट दिया जाता था भाई ये काम करना, अब उन्होंने क्या किया, मर्ज करके पूरी एक ही आईमा बना दिया है। आईमा मतलब वो माइग्रेट इंटीग्रेशन का भी काम करेगा, माइग्रेशन भी काम करेगा, असैलम का भी काम करेगा। मतलब अगर वो माइग्रेट होना है तो भी एक ही डिपार्टमेंट है, और असैलम ले रहे हो तो भी एक ही डिपार्टमेंट, और इंटीग्रेट हो रहे हो तो भी एक ही डिपार्टमेंट है। मतलब आपको 3-4 डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने कर दिया। अब करंट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसको 25 मिलियन हमने अप्रूव किया था कि भाई ये वाला इंप्लीमेंट करो, बट जो पुरानी गवर्नमेंट है उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, क्योंकि अभी जो मशीन है वो खरीदना तो पड़ेगा, भले वो जहाँ से भी मैन्युफैक्चर हो, भले जापान से हो, चाइना से हो, कहीं से भी हो, जर्मन से हो, खरीदना तो उनको पड़ेगा, बनवाना तो पड़ेगा, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया ही नहीं है। तो ये हो गया उनसे डीले। अब करंट गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमको अक्टूबर तक टाइम चाहिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है, फिर भी उनको बोला गया जुलाई तक करो। अब इसमें दो सिनेरियो है, पहली बात तो देखो, इतनी बड़ी कंट्री है, इस तरह से कुछ होने वाला है नहीं। अगर कुछ हुआ भी तो मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें समझाता हूँ क्या हो सकता है। अगर ये टाइम लगाएंगे तो कुछ टाइम के लिए शायद इनको वो बोले कि भाई जो शायद एंट्री नहीं दे, मतलब ये कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, मैं फिर भी बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं आपको बोले कि भाई जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे हम आपको एक्सेस नहीं देंगे सेंजन का। हो सकता है पुर्तगाल वाले लोग ट्रेवल नहीं कर पाए या सेंजन वाले पुर्तगाल में ट्रेवल नहीं कर पाए, बट 99% ऐसा नहीं होगा, 99% इस केस में ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कि जुलाई तक ये चालू भी हो गया होगा काम, और ये कर भी रहे हैं तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। आईमा बहुत बड़ी बॉडी है गवर्नमेंट की, वो काम कर लेगी। अब एक चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट ने एक नया चीज़ लाया है कि उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपको 300 यूरो रेसिडेंस परमिट का पहले ही पे करना पड़ेगा।
अब लोग बोलते हैं ये क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये 300 नहीं है एक्चुअली में। जो मेरे मैनेजर जी ने वीडियो बनाया था, मेरा जो मैनेजर था पुर्तगाल में है, उसका कहना है कि मलिक भाई टोटल 400 यूरो लगता है, टोटल 400 यूरो। मैं आपको दो मेल दिखा रहा हूँ, एक मेल ये मेल कहता है, ये मेल पहला आपको मेल आएगा, फर्स्ट मेल आएगा, इस मेल को बराबर पढ़िएगा, उस मेल पर बाकायदा क्लिक करके लिखा हुआ है। तो जब मेल आएगा, अब ये मेल क्या है पहले समझिए। पहले क्या होता है, जब फाइल लॉक करते थे तो फाइल लॉक के बाद हमें कोई मेल नहीं आता था, हमको मेल आता था जब आपका टाइम आ जाता था बायोमेट्रिक का, तो आपको शेड्यूल करके एक मेल आता था कि भाई आपका अपॉइंटमेंट का डेट शेड्यूल हो गया, आप अपना डेट सिलेक्ट और टाइमिंग सिलेक्ट करके आप आ जाओ। उसके बाद बायोमेट्रिक देते थे, पेमेंट देते। अब इन्हें सिस्टम चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, जब आपका बायोमेट्रिक होगा तो बायोमेट्रिक के जैसे कि समझो कि एक महीने पहले, दो महीने पहले आपको मेल आ जाएगा कि भाई आपका, हमने इस एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और आपको हमें मेल भेज रहे हैं। उस मेल पे आपको एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक हियर करके लिंक होगा, उसको क्लिक करना, एक फॉर्म होगा, फॉर्म को भरना होगा, उसके बाद आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और जो भी मेथड उसमें पेमेंट है, बहुत सारे मेथड उसमें पेमेंट के हैं, आप उसमें पेमेंट करके जिस दिन बायोमेट्रिक को जाओगे उस दिन आपको दिखाओगे, या उनके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक डेटा चला जाता है। ये सिस्टम अब उन्होंने कर दिया, बायोमेट्रिक के पहले आपको पेमेंट करना है, लेकिन 300 नहीं, वहाँ पे जाने के बाद 100 यूरो चार्ज होता है और जो लॉयर का चार्ज रहे अलग है। तो ये कुछ अपडेट हैं पुर्तगाल के बारे में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं वो रिमूव नहीं हो रहे हो, जो भी काम है गवर्नमेंट के इंटरनल चलता है, किसी भी डरने की ज़रूरत नहीं किसी से, क्या अपडेट है नहीं अपडेट है, मेरे से जितना अपडेट मुझसे हो सकता है मैं आपको देता हूँ पुर्तगाल के बारे में, चाहे न्यूजीलैंड के बारे में, चाहे कहीं भी कंट्री के बारे में मैं आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों न्यूजीलैंड का आजकल ज़्यादा चल रहा है क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि वाकई में ओपनिंग है, उसके लिए आपको खुद से मेहनत करना है, seek.com पे जाकर अप्लाई कर सकते हो, आपको हमारी सर्विस चाहिए एप्लीकेशन करने का या जॉब्स के, मतलब हम जॉब्स एप्लीकेशन करते हैं, जॉब्स नहीं है, जॉब्स एप्लीकेशन देते हैं, जहाँ जहाँ ओपनिंग है आप वहाँ पे भेज सकते हैं और CV बना सकते हैं। सर्विस के लिए आप हमारे 9988335584 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा मैसेजेस है, 1000, 2000 मैसेज है, तो हम सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सीरियस नोट पे आपको कुछ काम करवाना है दोस्तों, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई बहुत मुश्किल होता है। वी डू रिस्पेक्ट टू एवरी वन, बट आपको कोई फंस गए हो, कोई इंक्वायरी करना है कि हाँ भाई आपका पेपर यहाँ पे अटक गया है या फिर न्यूजीलैंड का, कोई भी कंट्री का, तो आपको हम जरूरत करेंगे। बट ऐसा नहीं कि आप खाली पूछ रहे भाई जॉब है क्या, हमारे पास न्यूजीलैंड का जॉब नहीं, हम जॉब एप्लीकेशन आपके भी आपने कर रहे हैं। तो कैसा लगता है वीडियो दोस्तों, ब्लॉगिंग चैनल तबरेज़ मलिक ब्लॉग्स है, उसको भी सपोर्ट किए, अच्छी अच्छी वीडियोस उसमें डालता हूँ। तो कैसा लगा वीडियो आज का बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, तबरेज़ मलिक दिल से सबको सपोर्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।